तीसरे वेव को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षात्मक बैठक बुलाकर और उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैसला लिया वो ये लिया था कि दो वैक्सीन के बाद जो कोरोना जो वॉरियर्स हैं उन्हें तीसरा वैक्सीन यहाँ पर बूस्टर डोज के तहत दिया जाएगा। ऐसे में जो लोग पुलिसकर्मी हैं या पत्रकार हों या फिर डॉक्टर हों या फिर सभी लोगों को जो पुलिस जो कोरोना वॉरियर्स में आते हैं उन लोगों को कोरोना का जो तीसरा जो बूस्टर डोज है वो दिया जाएगा, उसकी शुरुआत हो गई। ऐसे में पूरे देश में सभी जगहों पर यह बूस्टर डोज दिया गया और दरभंगा में भी आज आप देख सकते हैं जो खासकर पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं या फिर डॉक्टर्स हैं या फिर शिक्षक हैं, सभी लोगों को यह तीसरा डोज जो है बूस्टर डोज पड़ने लगा है। कोविड 19 कोरोना वायरस का बूस्टर डोज का वैक्सीन 10 जनवरी से 2022 से जो प्रारंभ हो चुका है, बूस्टर डोज के प्रथम दिन कई लोगों ने टीका लगवा लिया है। वहीं बूस्टर डोज के साथ साथ जो लोग सेकेंड डोज का वैक्सीन नहीं लगवाए थे ऐसे लोगों को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। बता दें कि 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मालूम रहे कि सभी वैक्सीन सेंटर पर बूस्टर डोज से लेकर सेकेंड और 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मालूम रहे कि बूस्टर डोज का यह वैक्सीनेशन 60 वर्ष के या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। 60 वर्ष से कम उम्र के भी हैं तो पहला और दूसरा दोनों ही वैक्सीन लिए हुए 6 महीना पूरा हो गया है ऐसे लोगों को ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यूं कहे तो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन लेने के 6 महीना बाद ही बूस्टर डोज का वैक्सीन आप ले सकते हैं। कोरोना जो कोरोना वायरस की अगर बात करें वैक्सीनेशन कार्यक्रम का यह तस्वीर पुलिस हॉस्पिटल लहरियासराय वैक्सीन सेंटर का है जहां पर 60 वर्ष से कई लोगों के लिए अपना अपना बूस्टर डोज भी लिया है। आइए कुछ लड़कियों से हमने बात किया है वो आपको सुनाते हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। लगातार बूस्टर डोज सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। भारत उदय समाचार आपसे अपील करता है कि आप घर से निकले तो वैक्सीन अगर लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है तो जरूर अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाएं और मास्क जरूर पहने, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोरोना के डर लग रहा था इस वजह से हम लोग को दिलाना पड़ गया, एग्जाम था ना इस वजह से हम लोग को दिलाना पड़ गया, नहीं तो हम लोग दिलाने वाले नहीं थे। 18 साल वाले को नहीं हुआ था तो वही 15 साल जो हम लोग को हुआ ना तो दिलाना पड़ गया। इस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा दर्द हुआ है हल्का फल्का, अब कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है जी। बहुत अच्छी बात है, ले ले लो आगे। अभी बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ा हुआ है इससे बचाव लेने के कारण और बीमारी फैल रहा है इसके अंदर, क्या कहें कितना जरूरी है ये। बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वैक्सीन लेंगे तो कम से कम अपना फिर भी एक सेफ्टी होता, फिर भी अपना एक सेफ्टी ना रखेंगे कि हाँ वैक्सीन ले ली है, फिर भी एक सेफ्टी रखना जरूरी है। सबको यही कहना है कि वैक्सीन लेना ही जरूरी है। कितने उत्साह है, उत्साह है सारा उत्साह। अभी अभी बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है ऐसे स्थिति, कहाँ से आप लोग आए हैं? दरभंगा से। दरभंगा आप भी ली हैं क्या? यह है क्या कहें, मैं बूस्टर डोज लिया हूँ, मैं मेरा 9 महीना पूर गया था और मुझे मैसेज आई थी और उसी मैसेज पर जो है सो मैंने आके यहाँ पर बूस्टर डोज ले लिया। तो आज से चालू, आज से चालू था ये? हाँ आज से ही चालू। कैसे प्रक्रिया की आप कैसे, मतलब इसको इसमें ये हमको जो सर्टिफिकेट मिला हुआ था उसी का मैंने फोटो स्टेट लेके आया और जो मोबाइल नंबर दिए थे उसको हमने दिया, उन्होंने चेक किया मेरा आ गया बूस्टर लेके। कहाँ? हम यही लक्ष्मीपुर, राजदंड लक्ष्मीपुर से। वहीं तो पकड़ा जाएगा ये आपको, खाजा सराय पुलिस हॉस्पिटल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय प्रताप सिंह हुआ। 6 महीना है सेकंड डोज का दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है। कितने वर्ष के लोगों को ये बूस्टर डोज दिया जा रहा है? सभी लोगों को दिया जा रहा है जिसको 6 महीना पूर गया है सेकंड डोज का। अच्छा, तो सबको दिया जा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है जो 60 साल के ऊपर है ऐसे लोगों को या उससे नीचे के लोगों? उससे नीचे की भी दिया, यानी 60 साल वाले को भी उससे नीचे वाले को दिया जाए। 60 साल वाले को दिया, हर तरह का कोई भी 60 साल हो या उसके नीचे लोग हो। चूँकि 60 साल वाले को 6 महीना नहीं पूरा है इसीलिए उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अभी जो है 60 साल ऊपर वाले को 6 महीना से ज़्यादा भी हो गया है उन लोगों को दिया जा रहा है। और जो फर्स्ट सेकंड डोज 15 से ऊपर वाले 18 वाले को फर्स्ट डोज दिया जा रहा है।
और थर्ड डोज में सेकेंड डोज में जो 18 से ऊपर वाले में सेकेंड डोज जो छूटा हुआ है उन लोगों को दिया जा रहा है। यानी सारा डोज पड़ रहा है, सारा डोज फर्स्ट सेकेंड और जो बूस्टर डोज थर्ड डोज भी बूस्टर डोज जिसको कहते हैं थर्ड डोज वो भी चल रहा है। ये टीका केंद्र कौन सा जगह है? पुलिस लाइन हॉस्पिटल है जी। सर अपना नाम बता दें। हमारा नाम अमरनाथ झा हुआ। आप क्या है यहाँ पे? फाइलेरिया नियंत्रण का से आए हैं। उसमें ये हुआ है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए है। हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कर्मी हैं, जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, उनके लिए है। प्लस प्रेस के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहता है जो 6 महीना का गैप होना चाहिए। जो आप सेकेंड डोज लिए हैं, सेकेंड डोज के बाद 6 महीना गैप होना चाहिए, और उससे ही। और यहाँ तो मान लीजिए कि आपको ये बच्चे का भी चल रहा है, यहाँ दोनों वैक्सीन चल रहा है, 15 से 18 वर्ष वाले जो है, और वो लोग देख रहे हैं जो काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी लोग अपने मन से आ रहे हैं, ले रहे हैं। प्लस यहाँ तो अभी आज तो नहीं है, लेकिन 2 दिन से आपको पुलिस लाइन में जो लोग अवेलेबल थे उनका कोविड एंटीजन टेस्ट भी यहाँ ही हुआ है, टोटल आदमी का, बाहर वाले का भी हुआ है। तो क्योंकि पुलिसकर्मी तो बड़े पैमाने पर हो गए हैं संक्रमित, वो सब आइसोलेशन में है, यही है। ये सरकार की योजना है और अच्छा योजना है, सबको इसका लाभ लेना चाहिए। जैसा कि लाभदायक है, लोग को इसमें अपने मन से पहल करके लेना चाहिए जो इसके लिए एलिजिबल है, इसीलिए कि इससे उन्हीं को फायदा होगा, उनके परिवार को फायदा होगा, उनके बच्चे को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। जी कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से लेकर के और लगभग 4 बजे तक। वैसे 9 बजे से टाइम है, ठंडा का समय है, थोड़ा सा लेट तो होता ही, आधा घंटा आ जाता है, लोग ठीक ठाक करते करते 9:30-10 हो जाता है। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहन चौधरी, हम यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं पुलिस लाइन हॉस्पिटल के। 60 से ऊपर वाला को दिया जा रहा है। कितना है जो आपका? हमारा 60 से ऊपर होगा। अच्छा, तो वैक्सीन ले लिया आपने? हाँ, हमने ले लिया। कौन था ये जो डोज लिया है, कौन सा डोज? कोविशील्ड है, बूस्टर डोज। हाँ, बूस्टर डोज। कहाँ आप जो आए, कहाँ से आए? हम यहीं पुलिस हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, तक बढ़ते कोरोना को देखते हुए बचाव के लिए काफ़ी लाभदायक है।